वित्त साहब, जब ऐसे विवादों में आप घिरते हैं, जब आप अपनी स्पष्ट होते हैं नजर में, तो क्या विचलित होते हैं? सच बोलने वाली जो बात है वो कभी सारों को हजम नहीं होती है। 3 साल पहले आपने RSS की ट्रेनिंग के लिए कैंप खुलवाने की बात करी थी और ये भी कहा था कि इसकी ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए, और अब आपने खुलवाए भी हैं, ऐसा क्यों? RSS एक देशभक्त संस्था है, इसमें हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार सिखाए जाते हैं और इसमें हर आदमी को जाना चाहिए। पंजाब पे भी ट्वीट काफी करते हैं आप, काफी सक्रिय रहते हैं, तो क्या हरियाणा के साथ साथ आप पंजाब पर भी पैनी नजर रखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर भी ध्यान रखते हैं, और अगर किसी बात के बारे में मुझे कुछ कहना होता है तो मैं कह देता हूँ। जब सिद्धू ने लखीमपुर खीरी मामले में ये कहा था कि मैं मौन व्रत पे जा रहा हूँ, तब भी आपने एक ट्वीट किया था, आपने कहा था अगर सिद्धू हमेशा के लिए मौन व्रत धारण कर ले तो कांग्रेस और देश को शांति मिल जाए। उनकी अपनी पार्टी के लिए भी परेशानी का कारण बनती है और कई बार वो देश के लिए भी अपमानजनक बनता है। आपने भी अपने सफर की शुरुआत एक युवा नेता से करी, ऐसे ही एक और युवा नेता है कन्हैया कुमार, जिनके लिए आपने ट्वीट किया कि टुकड़े टुकड़े गैंग देश का बंटवारा गैंग में शामिल है, ऐसी विचारधारा उनके लिए आपकी कैसे बनी? जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, तो कांग्रेस भी तो देश के टुकड़े के लिए जिम्मेवार है। जहां जहां पैर पड़े संतन के, तहां तहां बंटा धार। आपने ये ट्वीट किया था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जब कैप्टन साहब को हटा दिया था पद से, तो उनके राजनीति पे आपकी क्या प्रक्रिया है? जिस दिन कांग्रेस में आ गए थे, कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए थे, उसी दिन ये तय हो गया था कि अमरिंदर सिंह का सिंहासन ढोलने वाला है। आपने अस्पताल में अपने सारे कार्य किए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है जनता के लिए भी और दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए भी, तो आपको हिम्मत कहाँ से आती है? नहीं, हिम्मत तो सारी जनता की दी हुई है, लोगों की ताकत है, पर मेरा ये मानना है कि मेरी वजह से कोई काम नहीं रुकना चाहिए। नमस्कार, द समर न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा और आज हमारे साथ हैं हरियाणा के होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जी। विज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज साहब, आपने जो अपनी पॉलिटिकल जर्नी थी वो शुरू करी थी एक युवा नेता के तौर पर SD कॉलेज से, जब आप ABVP के जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद आपने 1990 में चुनाव लड़े अम्बाला कैंट से और जनता ने आपको 6 बार विधायक बनाया और हर विजय से आपने अपनी विरासत को मजबूत किया। हम जानना चाहते हैं आपकी सफलता का राज क्या है। मैं काम करता हूँ, हमने आज जिस भी हालात में रहा हूँ मैंने काम किया है। मैं MLA रहा, बतौर MLA काम किया, मैं विपक्ष में रहा, मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई, अब मैं सरकार में हूँ तो सरकार के दायित्वों को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनका कोई नहीं उनका अनिल विज, ये नारा लोगों ने आपको कब दिया? क्योंकि मैं सबको सुनता हूँ, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, कौन कहाँ से आया है, किस क्षेत्र से आया है, मैं ये पूछता नहीं हूँ। काम अगर हो सकने वाला है, जायज काम है, तो मैं उसकी मदद करता हूँ। जनता का दरबार हमने देखा हर दिन लगता है, जिसमें अलग अलग शहरों से लोग आते हैं और आप उनकी जो शिकायतें हैं उनको, हमने ये भी देखा, उच्च अधिकारी को पहुंचाते हैं। तो विज साहब, में हम ये जानना चाहते हैं कि आप इसको एक अहम कदम मानते हैं जनता तक जाने का और आपकी लोकप्रियता का? प्रजातंत्र का यही तकाजा है, क्योंकि आम आदमी अधिकारी तक सीधा नहीं जा सकता है,
और वो अपने नुमाइंदों के माध्यम से अपनी बात रखता है, क्योंकि नुमाइंदे के पास वो आसानी से जा सके और नुमाइंदा उसकी बात रखे, और हम उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। विद साहब, आपकी जैसे अभी पीछे भी तबीयत नासाज रही, और आप को पिछले साल जब कोरोना वैक्सीनेशन लिया था तब भी सांस की तकलीफ हुई थी, लेकिन फिर भी आपने अस्पताल में अपने सारे कार्य किए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है जनता के लिए भी और दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए भी, तो आपको हिम्मत कहाँ से आती है? नहीं, हिम्मत तो सारी जो जनता की दी हुई है, लोगों की ताकत है। और मेरा ये मानना है कि मेरी वजह से कोई काम नहीं रुकना चाहिए, सरकार के काम होते रहने चाहिए, फाइलें निकलती रहनी चाहिए, फाइलें चलती रहती हैं तो सरकार भी चलती रहती है। और हम चाहते हैं कि जनता की सेवा करने में ये सरकार कोई कसर बाकी ना छोड़े। विवादों से अनिल विज का गहरा नाता है, चाहे वो IAS और IPS ऑफिसर्स की बदली का मामला हो या किसी मंत्री से। विज साहब, जब ऐसे विवादों में आप घिरते हैं, जब आप अपनी स्पष्ट होते हैं नज़र में, तो क्या विचलित होते हैं? नहीं नहीं, मैं विचलित नहीं होता हूँ, और मैं सच बोलता हूँ, और सच बोलने वाली जो बात है वो कभी सारों को हजम नहीं होती है, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन क्योंकि हम अपनी जो तथ्यों पर आधारित बात कहते हैं, तो इसलिए इसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता कि दूसरे इसके बारे में क्या बोलते हैं। 3 साल पहले आपने RSS की ट्रेनिंग के लिए कैंप खुलवाने की बात करी थी, और ये भी कहा था कि इसकी ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए, और अब आपने खुलवाए भी हैं, ऐसा क्यों श्वेत साहब? नहीं नहीं, मैंने तो इतना कहा था कि RSS एक देशभक्त संस्था है, इसमें हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार सिखाए जाते हैं, और इसमें हर आदमी को जाना चाहिए। अब बात करते हैं आपके ट्वीट की। आप पंजाब पे भी ट्वीट काफ़ी करते हैं, आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो क्या हरियाणा के साथ साथ आप पंजाब पर भी पैनी नज़र रखते हैं? नहीं, देखिए, अब नज़र तो सारी रखी जाती है, अपने प्रदेश की भी रखी जाती है, अपने देश के बाकी प्रदेशों में भी रखी जाती है, जो देश की राजनीतिक घटनाएं होती हैं उन पर भी ध्यान रखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर भी ध्यान रखते हैं, और अगर किसी बात के बारे में मुझे कुछ कहना होता है तो मैं कह देता हूँ। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा धार। आपने ये ट्वीट किया था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, जब कैप्टन साहब को हटा दिया था पद से, तो उनकी राजनीति पर आपकी क्या प्रक्रिया है? नहीं देखो, ये तो फिर वास्तविकता है कि सिद्धू साहब जिस दिन कांग्रेस में आ गए थे, कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए थे, उसी दिन ये तय हो गया था कि अमरिंदर सिंह का सिंहासन डोलने वाला है, और वो डोला, और उनको त्याग पत्र देना पड़ा, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे और इतने पुराने उनके कांग्रेस के व्यक्ति थे, तो उस पर ही मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के, तहीं तहीं बंटा था। और जब सिद्धू ने लखीमपुर खीरी मामले में ये कहा था कि मैं मौन व्रत पे जा रहा हूँ, तब भी आपने एक ट्वीट किया था, आपने कहा था अगर सिद्धू हमेशा के लिए मौन व्रत धारण कर ले तो कांग्रेस और देश को शांति मिल जाए। नहीं, ये तो वास्तविकता है कि जिस प्रकार के वो बयानबाजी करते हैं, वो उनकी अपनी पार्टी के लिए भी परेशानी का कारण बनती है, और कई बार वो देश के लिए भी अपमानजनक बनता है। तो उन्होंने जब मौन व्रत रखा था, तो मैंने कहा अगर परमानेंट रख लें तो उनकी पार्टी को भी शांति मिलेगी और देश को भी शांति मिलेगी। आपके जो ट्वीट्स होते हैं वो स्पष्ट तो होते ही हैं, उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होते हैं। जैसे कि आपकी एक छवि है कि लोगों को लगता है कि आप बहुत सख्त हैं, लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी उतना ही उम्दा है, और वो आपके ट्वीट के जरिए हमको पता लगता है। तो विद साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतने डिफरेंट और इंटरेस्टिंग ट्वीट्स जो आप देते हैं, ये आपकी जो दिनचर्या है उसका नतीजा है, क्योंकि आप अखबार बहुत पढ़ते हैं? नहीं, मैं अपडेट रहता हूँ, मैं जो आसपास जो घटनाएं हो रही होती हैं उसके लिए मैं अपडेट रहता हूँ, और इसी कारण से मैं उसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, आपने भी अपने सफर की शुरुआत एक युवा नेता से करी, ऐसे ही एक और युवा नेता है कन्हैया कुमार, जिनके लिए आपने ट्वीट किया कि टुकड़े टुकड़े गैंग, देश का बंटवारा गैंग में शामिल है,
ऐसी विचारधारा उनके लिए आपकी कैसे बनी? अरे देखिए, ऐसा है, कोई भी संगठन अगर देश का है, चाहे सामाजिक है, धार्मिक है, राजनैतिक है, वो देश की एकता और अखंडता के लिए होना चाहिए। जो लोग ये नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वो मैं कोई उनको ज़्यादा महत्व भी नहीं देना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, तो कांग्रेस भी तो देश के टुकड़े के लिए जिम्मेवार है। जो देश का विभाजन हुआ वो कांग्रेस की ही तो देन है देश को। इसलिए मैंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग देश के विभाजन गैंग में शामिल हो गए। विद साहब, आखिर में युवा पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए आपका क्या खास संदेश है? नहीं, युवा वर्ग अब बहुत जागृत है और मेरा उनको यही कहना है कि उनको देश की उन्नति और तरक्की के लिए जो जो कुछ किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी जो नव भारत के एक महानायक के रूप में उभरे हैं, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, नया भारत बनाने के लिए जो जो योजनाएं लागू कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़कर उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। तो ये थी बेबाक बातचीत श्री अनिल विज जी के साथ, जिन्होंने अपनी विजन और स्पष्टता से हम सबको अवगत कराया। बने रहिए द समन न्यूज़ के साथ।